हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैची केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम लोग नीट का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का लास्ट जो सीरीज है वो देखेंगे, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये लास्ट पार्ट होने जा रहा है। इससे पहले मैंने तीन पार्ट जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और सभी जो 33 to 35 ईयर्स का जो क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व कर लिया था। ये इसका लास्ट पार्ट होने जा रहा है। तो वीडियो हम लोग शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जो जो चैनल में नए हो वो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है आ चुका है, ये जो है नीट 2005 में आया था। तो यहाँ पर दिया गया है CH3COOH SOCl2 देके ए दिया गया है, फिर बेंजीन और एनहाइड्रस AlCl3 देके बी, और HCN देके CHOH मतलब H2O देके डी। हमें जो है डी को आइडेंटिफाई यहाँ पर करना है। तो सिंपली CH3COOH के ऊपर जब तुम SOCl2 दोगे यहाँ पर, तो क्या हो जाता है, क्लोरीन से ये ओएच वाला पार्ट रिप्लेस हो जाता है और यहाँ पर बनता है CH3COCl। उसके बाद तुम जब इसके साथ बेंजीन दोगे मतलब C6H6 दोगे और उसके साथ जब AlCl3 दोगे, ये CH3COCl जो है ये A है, तो ये फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन होगा और ये बेंजीन के साथ C6H5COCH3 ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो है -HCl मतलब बेंजीन से एक हाइड्रोजन जो है वो ये Cl के साथ रिएक्ट करके HCl जो है निकल चुका है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा। अब इसके ऊपर तुम जब HCN दोगे, तो HCN में CN वाला पार्ट माइनस में और H वाला प्लस पार्ट जो है वो प्लस में टूटेगा। और यहाँ पर जो है C6H5CO, अगर ये CO बॉन्ड को हम लोग कुछ इस तरीके से ड्रॉ करें, C डबल बॉन्ड नीचे हो, तो ये ऑक्सीजन मैंने बोला ही था कि नेगेटिव चार्ज में टूटेगा और कार्बन जो है पॉजिटिव। अब ऑपोजिट चार्ज को यहाँ पर ऐड कर दो तो C6H5C यहाँ पर प्लस है और CN माइनस, तो ऊपर CN चला गया, फिर यहाँ पर CH3 चला गया और नीचे जो है वो माइनस है, एच के साथ बाइंड करके ओ एच चला है, तो साइनोहाइड्रिन कंपाउंड तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट अगर तुमने यहाँ पर एच ओ एच दे दिया मतलब पानी दे दिया या H3O प्लस कुछ भी दे दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H3O प्लस देने पर ये CN वाला ग्रुप COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ C6H5C, एक तरफ होगा CH3, दूसरे तरफ होगा OH और ऊपर हो जाएगा CN, हो जाएगा COOH। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ऑप्शन डी में देखो यहाँ पर प्रेजेंट है। ये वाला पार्ट है C6H5, ये एक तरफ CH3, एक तरफ OH और एक तरफ COOH। तो ये जो स्ट्रक्चर है यही सही स्ट्रक्चर यहाँ पर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये तुम सॉल्व कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द OH ग्रुप ऑफ एन अल्कोहल और द COOH ग्रुप ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन यूजिंग, मतलब अल्कोहल का OH ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH ग्रुप को तुम रिप्लेस कर सकते हो क्लोरीन से, क्या यूज करके, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड मतलब क्या है PClO5, हाइपोक्लोरस एसिड मतलब HOCl, क्लोरीन मतलब Cl2 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब ये हो गया HOCl और यहाँ पर तुम HCl यूज कर सकते हो। तो PClO5, HOCl, Cl2 और HCl, इसमें से क्या यूज करके तुम OH ग्रुप का और COOH ग्रुप में क्लोरीन को रिप्लेस कर सकते हो। तो आंसर होगा क्या, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्योंकि देखो तुम्हारे पास अगर अल्कोहल है उसके साथ तुमने अगर PClO5 से रिएक्शन कराया तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर RCl तैयार होता है, मतलब क्लोरीन से जो OH है वो रिप्लेस हो जाता है और साइड प्रोडक्ट में क्या बनता है, POCl3 बनता है और उसके साथ HCl बनता है। सिमिलरली अगर तुम्हारे पास RCOOH है, बाकी कोई रिएजेंट यहाँ पर रिएक्ट नहीं करता, तो एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग रिएजेंट का रिक्वायरमेंट होता है, तो PClO5 क्या करता है यहाँ पर R के साथ COCl, तो यहाँ पर देखो ये जो OH है ये रिप्लेस हो चुका है Cl से, फिर अगेन यहाँ पर POCl3 और HCl जो है बनाता है। तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड एक ऐसा चीज है जो कि OH को मतलब अल्कोहल का जो OH है और RCOOH का जो OH है उसको क्लोरीन से रिप्लेस कर सकता है। तो इसीलिए ऑप्शन ए जो होगा वो एक्चुअली करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ एसिड स्ट्रेंथ इज करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन देख के लग सकता है कि बहुत पुराना क्वेश्चन है, पर इस तरीके का क्वेश्चन बाद में ही आया था, जो मैंने प्रीवियस जो पार्ट था उसमें मैंने सॉल्व कराया है। तो यहाँ पर हमें करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पर इसको बोलना पड़ेगा। तो ऑलवेज देखो यहाँ पर RCOOH है, ROH है मतलब एल्कोहल है, HOH है मतलब H2O है, और एसिटिलीन है। तो हमेशा कार्बोक्सिलिक जो एसिड होता है RCOOH, वो हाईएस्ट एसिडिक इन नेचर होता है। तो सभी में कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एक्चुअली यहाँ पर सभी में फर्स्ट में दिया गया है। अब ये मामला आ जाता है कि ROH, HOH और HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें से क्या होगा। देखो अल्कोहल जो होता है वो तो एसिडिक होता है, पर HOH जो होता है वो उससे ज्यादा एसिडिक इन नेचर होता है, मतलब H2O जो है वो ज्यादा एसिडिक इन नेचर होता है। तो यहाँ पर HOH जो है वो ज्यादा एसिडिक इन नेचर होता है COOH के बाद में, फिर जाएगा अल्कोहल, और लास्ट में जाएगा यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड मतलब एसिटिलीन, क्योंकि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में एल्काइन हाईएस्ट एसिडिक होता है, पर कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्काइन में एल्काइन जो है वो लोएस्ट एसिडिक इन नेचर होता है। तो इसीलिए बी वाला जो ऑप्शन है वो एक्चुअली यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से बी जो है इसका 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 78, इन अ सेट ऑफ गिवन रिएक्शन एसिडिक एनहाइड्राइड यील्डेड प्रोडक्ट सी। तो यहाँ पर CH3COOH, देखो PCl5 देके रिएक्शन किया गया है, PCl5 देके ए निकला है, उसके ऊपर C6HCl। तो यहाँ पर क्लियरली CH3COOH हमें जो है C को आइडेंटिफाई करना है। इसके साथ तुमने दे दिया है PCl5, यहाँ से जो कंपाउंड बनता है वो है CH3COCl, अभी मैंने दिखाया। अब इसके साथ तुमने अगर C6H6, ये भी प्रीवियस रिएक्शन में मैंने दिखाया, और AlCl3 एनहाइड्रस ये तुमने दे दिया, तो यहाँ पर HCl निकल जाता है, और C6H5COCl यहाँ पर COCH3 ये यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि -HCl जो है वो यहाँ पर निकल चुका है, मतलब ये वाला क्लोरीन और ये वाला हाइड्रोजन। तो ये कुछ इस तरीके का एसिटोफेनॉन यहाँ पर बन जाता है। उसके ऊपर तुमने अगर C2H5MgBr और इथर दिया, तो अगेन ये जो यहाँ पर जो कीटोन ग्रुप है वो एक्चुअली ऐसे टूटेगा, ऑक्सीजन जो है माइनस और कार्बन प्लस में, और यहाँ पर हमने क्या दे दिया है C2H5MgBr मतलब ग्रिगनार्ड रिएजेंट, और ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट में हमेशा MgBr वाला पार्ट जो है वो प्लस में, और C2H5 वाला पार्ट जो है वो माइनस में टूटता है। तो C6H5 C माइनस था, वो MgBr हो जाएगा, यहाँ पर CH3 हो गया, और C यहाँ पर ऊपर प्लस है, C2H5 माइनस है, तो ऊपर C2H5 हो जाएगा। अब तुमने अगर इसके ऊपर इथर दे दिया या H3O+ दे दिया, जो कि यहाँ पर दिया नहीं गया है, पर ऑप्शन देख के ही समझ आ जाएगा कि H3O+ दिया गया है, क्योंकि सभी ऑप्शन में देखो OH कर दिया गया है, तो ये नीचे वाला OMgBr पार्ट जो है वो OH में कन्वर्ट हो जाता है। तो C6H5C ऊपर C2H5 और फिर यहाँ पर CH3 और यहाँ पर OH। तो कुछ इस तरीके से C6H5 यहाँ पर जो देखो C6H5 ऑप्शन डी में देखो C6H5 CH3 COH और C2H5, तो सभी जो यहाँ पर चीज है वो सेटिस्फाइड हो रहा है, तो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है 79 में, इथाइल बेंजोएट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजोइक एसिड यूजिंग। तो बेंजोइक एसिड क्या है, C6H5COOH, इससे हमें इथाइल बेंजोएट बनाना है। तो देखो ये क्लियरली एक एसिड है, और ये यहाँ पर बोला है बेंजोएट, ओएट मतलब क्या है, एस्टर। तो एस्टर एक्चुअली बनता कैसे है, एस्टर बनता है एक एसिड के साथ एक अल्कोहल अगर रिएक्ट कर जाए। तो यहाँ पर देखो इथाइल अल्कोहल में ऑप्शन है इथाइल अल्कोहल एंड ड्राई HCl, इसमें ऑप्शन है सोडियम इथॉक्साइड और इथाइल क्लोराइड, ये दोनों तो नहीं होगा क्योंकि दोनों अल्कोहल नहीं है, क्योंकि एसिड तो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर अल्कोहल का रिक्वायरमेंट है। अब तुम इथाइल अल्कोहल लोगे या इथाइल अल्कोहल एंड ड्राई HCl, ड्राई HCl जो होता है वो लेना पड़ेगा, क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में काम में आता है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में यहाँ पर काम में आता है, तो इसीलिए अल्कोहल को अगर हमने ले लिया यहाँ पर C2H5, तो ड्राई HCl
यहां पर जो होगा ये पार्ट निकल जाएगा, ये एच और ओएच वाला पार्ट, तो C6H5 COOC2H5 मतलब इथाइल बेंजोएट तुम्हारा बन चुका है, तो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, रिडक्शन बाई LiAlH4 ऑफ हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ एन एस्टर गिव्स। तो एस्टर जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, RCOOR- ये होता है एस्टर, इसको बोला गया है इसके इसके ऊपर अगर तुमने LiAlH4 दे दिया और उसको रिड्यूस कर दिया तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा। तो देखो एस्टर जो है ये यहाँ से टूट जाता है, और एस्टर को अगर हाइड्रोलाइज तुम करो, यहाँ पर अगर H2O नहीं देखे, एस्टर को अगर हाइड्रोलाइज तुम करो तो एस्टर क्या देता है, एक एसिड देता है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है एसिड और एल्कोहल से ये बनता है। तो ये जो R-OH तुम्हें मिला है वो एल्कोहल का पार्ट है, और ये जो RCOOH है वो एसिड का पार्ट है। अब इसमें तुमने अगर LiAlH4 दे दिया तो एल्कोहल तो और रिड्यूस नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है, तो COOH जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ पर RCH2OH मिल जाएगा, मतलब ये एक एल्कोहल और ये एक एल्कोहल, मतलब टू एल्कोहल्स जहां पर है वो ऑप्शन एक्चुअली सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल रिएक्ट विद NaHCO3 सॉल्यूशन टू गिव सोडियम सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर सोडियम सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली क्या देता है, यहाँ पर देखो NaHCO3 ये जो चीज है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये एक्चुअली वीकली बेसिक इन नेचर है, तो ये वीकली बेसिक इन नेचर है, तो इसीलिए ये ओनली रिएक्ट कर सकता है विथ एसिड। तो ये ओनली क्या कर सकता है, ये ओनली एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है, और एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है मतलब कोई वीक एसिड के साथ ही रिएक्ट कर सकता है। इन ऑप्शन में से हेक्सानॉल जो है वो उतना अच्छा एसिड नहीं है, एसिडिक एसिड जो है ये एक्चुअली प्रॉपर एसिड है, तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही CH3COOH तुम उसके साथ अगर सोडा बाइकार्बोनेट तुम देते हो, NaCO3 अगर देते हो, तो यहाँ पर बहुत सारा CH3COOH तैयार होता है और उसके साथ बहुत सारा यहाँ पर CO2 का गैस लिबरेट करता है जो कि एफरवेसेंस के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो ये काइंड ऑफ एसिड का टेस्ट भी बोल सकते हो, मतलब कोई भी ऑर्गेनिक एसिड तुम्हारे पास अगर है तो उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी बोल सकते हो बाय मीन्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन एडीपी एसिड इज हीटेड। अब एडीपिक एसिड होता क्या है, एडीपिक एसिड जो होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, CH2COOH जो लोग स्ट्रक्चर नहीं जानते देख लो, ये होता है एडीपिक एसिड CH2CH2COOH, तो ये होता है एडीपिक एसिड। एडीपिक एसिड को अगर तुमने हीट कर दिया तो यहाँ पर क्लियरली जो है एसिड को हीट करोगे तो एनहाइड्राइड बनेगा, मतलब पानी जो है वो निकल जाता है कहाँ से, ये वाला H और ये वाला OH से, ये पूरा निकल गया, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या बन गया, CH2 फिर C डबल बॉन्ड में O, यहाँ पर ये ऑक्सीजन, कुछ इस तरीके से साइक्लिक एक स्ट्रक्चर तुम्हें इजीली मिल जाएगा, ये कुछ इस तरीके का, और ये क्या है एडीपिक एनहाइड्राइड, क्योंकि यहाँ पर COOCO ये लिंकेज तुम्हें मिल चुका है, तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। देखो CH2CH2COOCO CH2CH2, तो ऑप्शन ए जो होगा वो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एसाइल हैलाइड इज फॉर्म्ड व्हेन PCl5 रिएक्ट्स विद एन एमाइड एसिड एस्टर एंड अल्कोहल। एक एसाइल हैलाइड तैयार होता है किसके साथ रिएक्ट करने पर, ऑलवेज एसिड के साथ रिएक्ट करने पर। अभी हमने देखा कि कोई अगर हमारे पास एसिड है उसके साथ अगर PCl5 ने रिएक्ट किया तो यहाँ पर RCOCl तैयार हो जाएगा, प्लस POCl3 तैयार होता है और प्लस HCl तैयार होता है, यही जो है तुम्हारा एसाइल हैलाइड है, यही जो है एक्चुअली एसाइल हैलाइड तुम्हारा है, क्योंकि एल्किल हैलाइड जो होता है वो तो RCl होता है, पर एसाइल हैलाइड मतलब RCl के बीच में ये जो कीटोन आता है, और ये सिर्फ एकमात्र यहाँ पर एसिड से ही आ सकता है, तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजोइक एसिड गिव्स बेंजीन ऑन हीटिंग, ऑन बीइंग हीटेड विथ एक्स एंड फेनॉल गिव्स बेंजीन ऑन
बीइंग हीटेड विथ वाई, देयरफॉर एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, बेंजोइक एसिड गिव्स बेंजीन ऑन हीटिंग ऑन बीइंग हीटेड विथ एक्स एंड फेनॉल गिव्स बेंजीन ऑन बीइंग हीटेड विथ वाई। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, तुम्हारे पास बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड मतलब COOH, तो इसके साथ तुमने कुछ दे के यहाँ पर हीट किया है जो कि एक्स है, जो क्या दे रहा है यहाँ पर बेंजीन दे रहा है। हमें ये एक्स को आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या दे के हमने हीट किया था जो ऐसा हुआ। और यहाँ पर दूसरा बोला गया है कि तुम्हारे पास फेनॉल है, फेनॉल मतलब OH, और इसके ऊपर तुमने कुछ दे दिया सपोज वाई यहाँ पर जो बोला गया है, और ये भी बेंजीन दे रहा है, तो एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है। तो देखो यहाँ पर जो होता है, इसके ऊपर अगर तुमने क्या दे दिया, जिंक डस्ट दे दिया, फेनॉल में से OH ग्रुप को रिमूव किया जाता है जिंक डस्ट देने पर, ये जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और ZNO तैयार करेगा, और इजीली यहाँ पर क्या हो जाएगा, Y में ये बेंजीन तैयार कर देगा। तो Y में जिंक डस्ट यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, D में, क्योंकि देखो D में ही एकमात्र जिंक डस्ट Y में दिया गया है, और सोडा लाइम X में। अब सोडा लाइम क्या है, NaOH और CaO का मिक्सचर है, NaOH CaO का मिक्सचर देने पर ये जो CO2 है ये एक्चुअली बाहर निकल जाता है, उसके डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, इसीलिए उसको बोल सकते हो तुम। इसीलिए ये जो होगा, सोडा लाइम देके तुम एसिड को रिमूव कर सकते हो और जिंक डस्ट देके फेनॉल को रिमूव कर सकते हो, तो ऑप्शन जो डी है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, ए इज अ लाइटर फेनॉल एंड बी इज एन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ए एंड बी कैन बी कैरिड आउट इजिली। तो यहाँ पर किससे तुम सेपरेट कर सकते हो, ए जो है तुम्हारा फेनॉल है और बी जो है एसिटिक एसिड है, तो इसको तुम किससे सेपरेट कर सकते हो। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो NaHCO3 के साथ डिसॉल्व हो जाता है, पर फेनॉल नहीं करता, तो इसीलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही रिएक्ट करता है, सल्फेट भी रिएक्ट करता है कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड देने पर CH3COONa बना के वो डिसॉल्व कर देता है, वो एक्चुअली क्या हो जाता है, डिसॉल्व कर लेता है, जो कि फेनॉल नहीं करता, तो इसीलिए क्या हो जाता है, तुम सोडियम बाइकार्बोनेट से इसको सेपरेट इजीली कर सकते हो। द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन मेलोनिक एसिड इज हीटेड विथ यूरिया, मेलोनिक एसिड एक्चुअली क्या है, CH2COOH और COOH, ये मतलब CH2 और दोनों तरफ COOH, ये तुम्हारा मेलोनिक एसिड है, इसके साथ तुमने दे दिया यूरिया NH2CONH2, ये तुमने दे दिया मतलब CONH2O2, ये देने पर एक्चुअली यहाँ पर क्या बन जाता है, यही हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। अब देखो यूरिया को हम लोग कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, यूरिया को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, CO यहाँ पर NH2, यहाँ पर भी NH2। अब NH2 को भी हम लोग फिर से ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे, मैं जस्ट यहाँ पर बोल रहा हूं कि कैसे तुम इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो देखो NH और H, NH और H, कुछ इस तरीके से। अब जो होगा यहाँ पर देखो H और OH जो है वो निकल जाएगा, इधर से भी H और OH जो है वो निकल जाएगा, तो यहाँ पर बना क्या, यहाँ पर CH2 बन गया, फिर CO बन गया, यहाँ पर भी CO बन गया, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, NH बन गया, फिर CO बन गया, यहाँ पर भी NH बन गया और फिर CO बन गया, तो ये कुछ इस तरीके से हमें मिल चुका है, जो कि एक्चुअली ऑप्शन सी है, बारबिट्यूरिक एसिड, इसको बारबिट्यूरिक एसिड बोल सकते हो। सिनामिक एसिड जो होता है वो ये नहीं है, सिनामिक एसिड जो होता है वो बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH और COOH है, ये सिनामिक एसिड है। ब्यूटाइरिक एसिड तो समझ ही सकते हो, जो है CH3CH2COOH ये है, और क्रोटोनिक एसिड जो है वो CH3CH डबल बॉन्ड CH COOH है, तो ये तीनों ही नहीं आ रहा है, इसको बारबिट्यूरिक एसिड बोल सकते हो, और ये सीडेटिव के रूप में यहाँ पर काम आता है, एंजाइटी कम करने के लिए भी ये बारबिट्यूरिक एसिड का जो मेडिसिन है वो एक्चुअली यूज में आता है। अमंग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज, यहां से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है,
तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड वही होगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट भी कम हो, जिसका मॉलिक्यूलर वेट भी कम हो, जिसमें माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप भी प्रेजेंट है। सीएचथ्री सी डबल एच में सीएचथ्री प्रेजेंट है जो कि प्लस आई इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये इसमें तो माइनस आई नहीं है। यहाँ पर माइनस आई है पर बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी माइनस आई नहीं है, तो ये गलत हो गया। और यहाँ पर भी क्लोरीन है मतलब माइनस आई है। अब दोनों में ही माइनस आई प्रेजेंट है पर दोनों में से मॉलिक्यूलर वेट किसका कम है, सी का है, इसीलिए सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो इजीली यहाँ पर तुम मॉलिक्यूलर वेट को देख के ही बोल सकते हो और माइनस आई इफेक्ट को ही देख के बोल सकते हो। जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा और माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा वही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। मिथानोइक एसिड दे दिया गया है, मिथानोइक एसिड मतलब एच सी डबल एच, ये एक नंबर। इथानोइक एसिड दे दिया गया है मतलब सी एच थ्री सी डबल एच, ये दो नंबर। प्रोपानोइक दे दिया गया है सी एच थ्री सी एच टू सी डबल एच, ये तीन नंबर। और यहाँ पर ब्यूटानोइक एसिड दे दिया गया है, अभी मैंने बोला है कि जितना मॉलिक्यूलर वेट कम हो जाएगा उसका उतना ही एसिडिक नेचर जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर देख ही सकते हो फॉर्मिक एसिड का सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट है, इसका मॉलिक्यूलर वेट लीस्ट है और इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर माइनस आई देखने का कोई जरूरत ही नहीं है, तो क्योंकि यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप भी प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम है और मॉलिक्यूलर वेट इसका ज्यादा है, तो ये ज्यादा अच्छा एसिड हो जाएगा और ये सबसे खराब एसिड हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो होगा वही करेक्ट ऑप्शन होगा, एक सबसे अच्छा है, उसके बाद दो, उसके बाद तीन और उसके बाद चार। तो ये ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच दिया गया है बेंजाल्डिहाइड के साथ, यहाँ पर मैच कराने को बोला है। तो बेंजाल्डिहाइड जो होगा ए उसके साथ एक्चुअली हो जाएगा, ये बेंजोइन कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करता है। थैलिक एनहाइड्राइड जो होगा और फिनाइल बेंजोइड और मिथाइल सैलिसाइलेट, मिथाइल सैलिसाइलेट जो होता है उसको ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बोला जाता है, जिसमें से आयोडेक्स का जैसा एक स्मेल आता है। तो ए के साथ दो और डी के साथ थ्री, देखो ए के साथ दो और डी के साथ थ्री कहाँ पर है, ऑप्शन डी में है, ए के साथ दो और डी के साथ थ्री, तो इसीलिए ऑप्शन डी जो होगा ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये ए आई पी एम टी मेन्स में आया था 2011 में, बाकी सब यहाँ पर नहीं देखोगे तब भी चला जाएगा। थैलिक एनहाइड्राइड जो फेनोफ्थेलिन बनाने में काम आता है और मिथाइल फिनाइल बेंजोएट फ्राइज रीअरेंजमेंट में काम आता है, तो कुछ इस तरीके से ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द गिवन कंपाउंड द मोस्ट ससेप्टिबल टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक एट द कार्बोनिल ग्रुप, मतलब इससे इसमें से सबसे अच्छा न्यूक्लियोफिलिक अटैक मतलब एनायन से अटैक जो है वो कहां पर होगा। तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहां पर वहां पर ही होता है जहां पर माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप प्रेजेंट है। देखो यहां पर ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई, सी एच थ्री यहां पर भी प्रेजेंट है तो प्लस आई, यहां पर भी सी एच थ्री प्रेजेंट है प्लस आई, यहां पर सी एच थ्री प्रेजेंट है पर सी एल है जो कि एक्चुअली माइनस आई इफेक्ट है। तो माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जहां पर प्रेजेंट होगा उसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि जो सी एल माइनस है, सी एल माइनस एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो इसको हम लोग बोल सकते कि जो माइनस आई सबसे स्ट्रांग होता है वो अच्छा लिविंग ग्रुप के रूप में काम आता है। तो वो ग्रुप को यहाँ पर कंपाउंड को छोड़ के निकल जाएगा, उसके जगह पे दूसरा जो न्यूक्लियोफाइल है वो चला आएगा। इसीलिए क्लोरीन जो है NH2 से अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो इसीलिए क्या होता है क्योंकि उसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का पावर जो है ज्यादा होता है, तो इसीलिए इसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक सबसे ज्यादा होगा डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ एसाइल कंपाउंड्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आर इन द ऑर्डर। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो ऑर्डर है एसाइल कंपाउंड का वो एक्चुअली क्या है, एनहाइड्राइड, एमाइड, एस्टर और क्लोराइड, ये चारों जो कंपाउंड है ये एसिड का डेरिवेटिव है। एनहाइड्राइड, एमाइड, एस्टर और क्लोराइड, एनहाइड्राइड जो बनता है वो दो एसिड को हीट करने पर बनता है, एमाइड जो बनता है वो एमोनिया के साथ रिएक्ट करने पर बनता है एसिड के साथ, एस्टर जो होता है वो अल्कोहल के साथ एसिड के साथ रिएक्ट करने पर बनता है, एसाइल क्लोराइड जो होता है वो एक्चुअली PCl5 या SOCl2 के साथ रिएक्ट करने पर बनता है। तो यहाँ पर क्लोराइड जो है वो सबसे अच्छा
न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन करता है, क्योंकि मैंने बोला है कि इसका लिविंग ग्रुप अच्छा होता है। उसके बाद एनहाइड्राइड होता है, उसके बाद एस्टर होता है, और लास्ट में एमाइड होता है। एमाइड सबसे खराब होता है, ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल एसिटेट इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथॉक्साइड यील्ड्स। तो यहाँ पर 92 में बोला गया है सेल्फ कंडेंसेशन। सेल्फ कंडेंसेशन मतलब क्या है, एड हो जाना यहाँ पर CH3COOC2H5, ये एक इथाइल एसिटेट है, उसके साथ और एक इथाइल एसिटेट दे दिया गया है CH3COOC2H5, और यहाँ पर क्या बोला गया है, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथॉक्साइड मतलब C2H5ONa। तो यहाँ पर क्या बन जाता है C2H5ONa से, यहाँ पर CH3CO CH2COO C2H5 ये बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर 2 और यहाँ पर अगर H तुम कर दो तो यहाँ पर जो C2H5OH वाला जो पोर्शन है ये निकल जाएगा, तो प्लस C2H5OH यहाँ पर निकल जाता है। और ये जो होता है ये एसिटो एसिटिक एस्टर है, दैट मींस ये सी जो होगा ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्टर्स कैन नॉट अंडरगो क्लेइजन सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। तो क्लेइजन कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, कौन सा यहाँ पर क्लेइजन कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो एस्टर जो होता है वो एक्चुअली जिसमें मिथिलीन ग्रुप होता है, एस्टर होता है जिसमें मिथिलीन ग्रुप होता है, ये जो CH2 वाला जो ग्रुप होता है जैसे यहाँ पर देखो प्रेजेंट है, वो एक्चुअली क्लेइजन एल्डोल क्लेइजन कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि ये जो होता है कार्बोनिल ग्रुप होता है और इसके पास वाला ये अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसीलिए ये पार्टिसिपेट करता है। तो कौन नहीं करता, जिसके पास एस्टर में ऐसे एक्टिव CH2 ग्रुप नहीं है, मतलब इसमें देखो कोई एक्टिव CH2 ग्रुप नहीं है, मतलब इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन जो है वो नहीं है, तो ये क्लेइजन एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, क्योंकि जिसके पास CH2 होता है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी होता है, तो CH2 जिसके पास होता है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है और वो पार्टिसिपेट करता है, पर जिसके पास CH2 ही नहीं होता वो एक्चुअली क्या करता है, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होता तो वो पार्टिसिपेट भी नहीं करता। तो यही है ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का लास्ट क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नीट में, सोडियम फॉर्मेट ऑन बीइंग हीटेड यील्ड्स। तो सोडियम फॉर्मेट का मतलब है HCOONa, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल लगता है HCOONa, इसको तुमने अगर हीट कर दिया तो यहाँ पर से क्या हो जाता है, ये वाला पार्ट जो है हाइड्रोजन निकल जाता है, और H2 अगर निकल जाए तो ये COONa उसके साथ क्या हो जाता है COONa, मतलब ये जो मॉलिक्यूल ये जुड़ जाता है, और ये सोडियम ऑक्सालेट बोला जाता है, तो सोडियम ऑक्सालेट एंड H2 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो मैंने पूरा जो एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड था उसका पूरा मैंने जो 33 to 35 ईयर्स का जो क्वेश्चन आया था नीट में वो मैंने पूरा सॉल्व कर दिया था, मतलब मेडिकल एंट्रेंस में जो जो क्वेश्चन आया था, क्योंकि तब तो नीट नहीं था तो मेडिकल एंट्रेंस में जो जो क्वेश्चन आया था हमने सब सॉल्व कर लिया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर कॉमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।